गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर चैप्टर कंपोनेंट्स है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फूड के, किस फूड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इनके बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये मतलब कि कार्बोहाइड्रेट क्या, न्यूट्रिएंट है, फैट क्या, न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक तत्व। उसी में प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगा, क्या होगा प्रोटीन है ना, जो हमारे फूड में क्या होता है, मौजूद होता है, हमारे भोजन में मौजूद होता है, उसके बारे में। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, देखिए जिस फूड में प्रोटीन की मात्रा होती है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है ना। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, प्रोटीन जो है बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है ना, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज है ना। क्यों जरूरी है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सर आपने बोला कि प्रोटीन हमारे शरीर में जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो अगर जिसमें ये मौजूद होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, तो इसकी क्या खासियत है जो इसको ऐसा बोला जाता है, ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है प्रोटीन का, तो उसके आगे देखते हैं क्या जरूरत है, तो क्यों जरूरत है उसके आगे पढ़ते हैं। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, देखिए हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, या फिर जो हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना, सेल सेल मिलकर बनाया टिश्यू बनाया, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, तो कोई भी टिश्यू के अगर पंचर हो जाता है या फिर इन्फेक्टेड होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए ना हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन सही मात्रा में होगा तो कोई भी आपका जो टिश्यू का डैमेज हुआ है वो आसानी से वो जल्दी रिपेयर हो जाएगा और आपका बॉडी क्या करेगा, ग्रो करेगा। टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, और बॉडी जितने फंक्शंस है ना, जो भी काम है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम, उन सभी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है ना। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, और बहुत सारे इन्फेक्शंस, उनसे बचने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर प्रोटीन ज़्यादा, प्रोटीन हमारे शरीर में मौजूद होगा तो हमारा क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन से हम ज़्यादा देर तक लड़ पाएंगे, इन्फेक्शन हमें ज़्यादा जल्दी नहीं होगा है ना। लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देता था, उसी तरह क्या प्रोटीन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्स, प्रोटीन जो है प्लांट्स के से भी, प्लांट्स से जो भी चीज़ें होती है प्रोटीन उसको खाते हैं उससे भी मिलता है, और जो एनिमल से भी प्रोटीन मिलता है ना, तो कैसे प्लांट से कैसे मिलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स, प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स, उसमें पल्सेस लाइक सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम, ग्राम एंड लेसर का एक्सटेंट सर्टिस लाइक वेट एंड कॉर्न आर प्रोटीन सोर्सेज, जैसे पल्स हो गया, सोयाबीन है, पीस है यानी मटर है ना, ग्रीन ग्राम्स हैं है ना, इनसे हरा चना चना है ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है हमें ग्रीन ग्राम जो है, मतलब इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है ना। उसका अर्थ है प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, अब क्या एनिमल सोर्स से हमें कैसे प्रोटीन मिलेगा, जो मिल्क है, एग है, पनीर है, चीज़ है, फिश है ना, मीट है, इन सभी चीज़ से हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन हमारे लिए, हमारे बॉडी को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ में मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन, क्या है विटामिन, नेक्स्ट इज विटामिन, नेक्स्ट इज विटामिन। हमने प्रोटीन पढ़ लिया, अब आते हैं विटामिन के लिए, ये क्या होता है ना। विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर है ना प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन जो है वो क्यों जरूरी, विटामिन जो है हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारे शरीर को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है। दिस आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन कंपैरिजन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये जो है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन जो जितनी मात्रा में शरीर में मिलती है उससे बहुत कम मात्रा लगती है विटामिन की, बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है हमारे शरीर में विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट फैट और विटामिन के कंपैरिजन में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मुकाबले जो विटामिन है वो क्या कम मात्रा में जरूरत होता है हमारे शरीर में, कम मात्रा ही हमारे शरीर को क्या कर देता है, बहुत अच्छे तरह से फंक्शनेट कर, जो भी हमारे शरीर अच्छे से काम कर लेता है विटामिन की कम मात्रा से। ठीक है, दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड एज दे है ना, जो भी हमारा ये
विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है, विटामिन जिस चीज़ में मौजूद होता है उसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, जैसे कि प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी को डिजीज बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कौन, विटामिन। हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को, है ना, हमारे आईज को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है ना। विटामिन आर ऑफ सेवरल काइंड्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन सा विटामिन होते हैं इसमें आता है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सारे विटामिन के क्या प्रकार प्रकार विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इन सभी विटामिन के अलग अलग नाम है, है ना, ये सभी को क्या अलग अलग चीजों को अलग अलग भाग, सभी का अलग अलग भाग को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, विटामिन स्वस्थ रखता है। विटामिन बी को हमेशा क्या काम है, ये जो है एनर्जी रिलीज करता है और रेड आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल उसको बनाता है। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी का काम है ये जो हमारे टीथ यानी दांत पशूना और बोन्स को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन डी का काम है ये हमारे बोन्स और टीथ, बोन्स हमारे जो भी हड्डियाँ हैं उनको और जो हमारा टीथ है दांत है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई का काम क्या है, ये हमारे बॉडी और स्किन को क्या करता है, हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। उसके अंदर विटामिन के, ये जो है हमारे क्लॉट में ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसमें मदद करता है, हेल्थिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कहीं कट फट गया तो ब्लड हमेशा हमारा क्लॉट ब्लड क्लॉटिंग ना हो, क्या होगा हमेशा ब्लड बहता ही रहे, इसी का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा, फिर हम मर जाएंगे, तो क्या होगा, इसलिए हमारा ये ब्लड हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत बना के रखता है। विटामिन ई क्या करता है, हमारे बॉडी और स्किन को स्वस्थ बना के रखता है। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हम मिनरल्स, नेक्स्ट इज हमारा, अब आते हैं मिनरल्स पे।
हमारे शरीर में पाया जाता है ना। तो क्या इन सभी का काम क्या है, कैल्शियम का काम क्या है, सोडियम का काम क्या है, पोटेशियम का काम क्या है, फॉस्फोरस का काम क्या है, नाइट्रेट का काम क्या है, आयोडीन का काम क्या है, क्यों पाया जाता है शरीर में, क्या जरूरत है इसका। तो देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का काम क्या होता है, कैल्शियम और कैल्शियम है और फॉस्फोरस इसका काम क्या होता है, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का इसका काम होता है, ये जो है हमारे बॉडी कैल्शियम फॉस्फोरस है एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम फॉस्फोरस क्या करता है, हमारा जो बॉडी का हमारा हड्डी है उसको बनाने में और हमारे दांत को प्रॉपर तरीके बनाने में क्या होता है, इसकी जरूरत होती है ना। और इसलिए कहाँ से मिलता है, मिल्क से, एग से, चीज से, पल्स से, सभी से हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है ना ज़्यादा मात्रा में। इसका रहते हैं आयरन, क्या होता है बोन्स के लिए जरूरत, बोन्स बोन्स फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारा हड्डी और दांत के अच्छे से फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत होती है। उसके अंदर है आयरन, आयरन की जरूरत है, आयरन इज एसेंशियल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है ना। ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन सॉरी आयरन की जरूरत होती है। तो ये हीमोग्लोबिन होता क्या है, तुम्हारा जो शरीर हमारा जो ब्लड है ना रेड क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का हमारा ब्लड जो है रेड दिखता है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए आयरन की जरूरत होती है। डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज एनीमिया, अगर आपका शरीर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा है ना। बी नट्स पीस एंड लीवर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन है ना, एग है, वेजिटेबल है, नट ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, नट्स है, पीज है, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, आयरन मिल जाता है। उसके बाद हम आयोडीन, आयोडीन की जरूरत है, आयोडीन जो है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए है ना, डिफिशेंसी से बचाने के लिए है ना, इट्स डिफिशेंसी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड गॉइट्री एंड स्वेलन नेक कंडीशन। देखो ये जो है, अगर ये आयोडीन की मात्रा उस समय कम हो जाएगी तो हमें गॉइट्री नाम की एक बीमारी हो जाएगी, यानी स्वेलन स्वॉलन नेक कंडीशन। इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो है हमारे आयोडीन सही मात्रा में हमारा मौजूद है, आयोडीन हमारे सही मात्रा में शरीर में मौजूद है तो गॉइट्री नामक जो भी डिजीज है वो हमें नहीं होता है। आयोडीन सॉल्ट फिश एंड सी फूड आर द सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलेगा हमें, जो है फिश से मिल जाएगा, सी फूड यानी जो भी आपका समुद्री जो फूड है उससे हमें मिल जाएगा। ये तो आगे